अगर से आपको फेसबुक एड्स में आपके इंडियन ड्रॉपशिपिंग के लिए ऐसे कम बजट में आपको ज्यादा सेल्स लानी है, इतना अच्छा रोएस लाना है, इतना अच्छा सीपीपी लाना है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं मेरी पूरी एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ फेसबुक एड्स की, जो आपको हेल्प करेंगी सेम टाइप ऑफ रिजल्ट लाने में। सो हेलो गाइस, फाइनली यार फेसबुक एड स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो आ रहा है। सो बहुत लोग मैसेज करते रहते कि भाई फेसबुक एड्स कैसे लगाए, रिसेंटली अपडेटेड स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैं फाइनली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो भी मैं फेसबुक एड्स लगाया हूँ और उसके हेल्प से जो मैंने को रिजल्ट्स आ रहे हो मैंने आपको भी बता दिए, सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कुछ भी आपसे छुपाने वाला हूँ नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर से आप कुछ आपके काम वगैरह अलग से कर रहे हो तो प्लीज सब काम बाजू में छोड़ दो और अभी सिर्फ इस वीडियो के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आपको ऐसे भी लगे कि ये चीज तो मेरे को पता है, चल मैं स्किप कर देता हूँ, वैसे नहीं करना, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी बोल देता हूँ। सो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और अच्छे से इसको फॉलो करना है, तो आपको भी इसी टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक एड्स आपको कैसे लगाने चाहिए करके। ओके गाइस, अभी हम हमारे फेसबुक के एड्स मैनेजर के अंदर है और यहाँ पर मैं आपको मेरी सीबीओ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे सीबीओ के मेरे कैंपेन सेट करता हूँ ड्रॉपशिपिंग और ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे। मुझे पता है छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी, जैसे सेल्स पे क्लिक करो फिर कंटिन्यू करो, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ बीच बीच में कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, जैसे टेस्ट सीबीओ हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। उसके बाद में मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर पहले इसका नाम रहता था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन अभी इन्होंने एडवांटेज कैंपेन बजट नाम कर दिया, तो सीबीओ ही है अभी भी, ठीक है। इसका यहाँ पर रिकमेंडेड बजट 800 रहता है, तो यस 800 के नीचे कभी आपको सीबीओ नहीं रखना है, ठीक है, 500 भी नहीं रखना है, 600 भी नहीं रखना है, यूजुअली मिनिमम 800 रखना है या 1000 रखना है, लेकिन मैं जो हमेशा करता हूँ स्टार्टिंग, मेरी 1500 के सीबीओ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैंपेन बेस्ड स्ट्रेटेजी में मेक श्योर करना हाईएस्ट वॉल्यूम सिलेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद में आप एडसेट लेवल पर आते हो और यहाँ पर मैं इसका भी अभी नाम नहीं देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर वेबसाइट सिलेक्ट रखना है, आपका पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है, पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद में आपको कन्वर्जन इवेंट में से परचेस इवेंट ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको उसके बाद में नीचे आना है, मेक श्योर करना कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में आपका कन्वर्जेंस सिलेक्टेड हो। उसके बाद में आपको और नीचे आना है, अभी 8 तारीख है, 8 जनवरी, तो मैं यूजुअली कल की तारीख देखे रखता हूँ जब भी मैं नया कैंपेन लगाता हूँ, तो मैं 9 जनवरी का इसको टाइम डेट दे रहा हूँ। टाइमिंग में मैं हमेशा डालता हूँ रात के 1 बजे से लेकर तो सुबह के 5 बजे तक का कुछ भी रहेगा, कभी 1 बजे डालता हूँ, कभी 2, 3, 4, 5, कभी भी, जो जैसे मेरी मर्जी होगी टाइम पर वैसे। तो अभी 1 बजे हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आपको रात को 1 बजे से 5 बजे से लेकर का जो भी स्केड्यूल टाइमिंग रखना है आप रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये कैंपेन लगा रहे हो तो उसके आगे का 1-2 घंटे का टाइम बाद का टाइमिंग आप यहाँ पे डाल रहे हो, ये मेक श्योर करना, ठीक है, हमेशा। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको लोकेशंस के अंदर जो है आपको इंडिया सिलेक्ट रखना है, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको कुछ स्टेट्स एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, ओके, स्टेट्स एक्सक्लूड कौन से करने हैं तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पर अभी ये स्टेट्स डाल दिए जिनको आपको एक्सक्लूड करना है। सो आपको अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये जितने भी आपको यहाँ पर स्टेट्स दिख रहे हैं आपको इन सबको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखना एक्सक्लूड करने का, जैसे मैं यहाँ पर अभी झारखंड डाल के देखता हूँ, ठीक है। सो कभी कभी कैसा होता है झारखंड के आगे आपको सिटी भी लिखा हुआ दिखता है, कभी कभी आप गलती से शायद से आपने सिर्फ इतना डाला और उसके बाद में आपने गलती से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो कभी भी ये यहाँ पे जो भी आप स्टेट का नेम डाल रहे हो उसके आगे सिटी नहीं होना चाहिए, मेक श्योर करना कि आपके स्टेट के आगे, सॉरी यहाँ पर अभी भी आप जो भी स्टेट का नाम डाल रहे हो यहाँ पर जब अपीयर हो रहा है तो उसके आगे काउंटी लिखा हो या फिर स्टेट लिखा हो, ये मेक श्योर करना, और उसको ही एक्सक्लूड करना, कभी भी सिटी, एड्रेस या फिर प्लेस इनको एक्सक्लूड नहीं करना, काउंटी को या स्टेट आपको दिख रहा है तो उसको ही एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अभी मैंने इतने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है, आप इनको एक्सक्लूड करो। अभी कभी कभी बहुत से लोग ऐसे भी है जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को भी एडिशनली एक्सक्लूड करते हैं, तो आप उनको भी एक्सक्लूड कर सकते हो अगर से आपको वो प्लेसेस से आरटीओ ज्यादा आ रहे हो तो, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि वो प्लेसेस से आरटीओ ज्यादा आते हैं, लेकिन यूजुअली अगर से आप ग्लो रोड या रोपोसो क्लाउड से ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इतने ही स्टेट्स आप एक्सक्लूड करो, लेकिन आप अगर से सप्लायर ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो या फिर आप खुद सोर्स एंड शिप कर रहे हो तो उस केस में यस आपको झारखंड, बिहार एंड अपना वो उत्तर प्रदेश भी 100% आपको ये करना चाहिए, मतलब क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको एक्सक्लूड क्यों करते हैं, ऑफकोर्स इधर से आरटीओ वगैरह भी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत से लोकेशन
लोकेशन सर्विसेबल नहीं होते, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत से लोकेशन है जहाँ पर ऑर्डर्स नहीं पहुँचते हैं, तो फिर इसलिए हम इन स्टेट्स को मैक्सिमम एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ जो प्लेसेस होते हैं इन स्टेट्स में वो नॉन सर्विसेबल होते हैं, ठीक है। और बहुत से स्टेट ऐसे भी जहाँ से RTOs भी ज़्यादा आते हैं, सो इसलिए आपको इन सबको एक्सक्लूड करना है। इतने मैंने बता दिए, एडिशनली आप बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे आना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज ग्रुप सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर से मैं क्लेवर कटर बेचने जा रहा हूँ अभी, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो क्लेवर कटर प्रोडक्ट को अगर से मुझे बेचना है तो मैं यूजुअली इसका 22 के ऊपर का ऑडियंस रखूंगा, 65 प्लस तक का। मैं 22 के ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि 22 के ऊपर की ऑडियंस थोड़ी सी सीरियस होती है, इसलिए मैं 22 के ऊपर का ऑडियंस हमेशा रखता हूँ एंड 65 प्लस का यहाँ पे आप रख सकते हो। जेंडर्स आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। क्लेवर कटर ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल फीमेल दोनों खरीद सकते हैं, इसलिए मैं दोनों यहाँ पर रख रहा हूँ। लेकिन आप कोई वुमेंस निश का बेच रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन वुमेन सिलेक्ट रखना है, और लड़कों का बेच रहे हो तो सिर्फ लड़के का मेन सिलेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे, और अभी एक चीज और, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट डालना है। जैसे हम अगर से अभी क्लेवर कटर बेचने जाए, सो मैं यहाँ पर क्लेवर कटर में डाल सकता हूँ नाइफ, ठीक है, क्योंकि क्लेवर कटर एक नाइफ जैसा ही है, और नाइफ मेरे ख्याल से इंटरेस्ट अभी आता नहीं है फेसबुक में। ओके, शायद नाइफ हो गया, पहले आता था, या फिर किचन नाइफ आता है, मेबी आई डोंट नो। एनीवेज, सो अभी हम यहाँ पे डालते हैं जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स में डाल के देखता हूँ। कुकिंग यूटेंसिल्स भी आता था यार पहले? ओके, सिर्फ यूटेंसिल्स आता है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, सो अभी यहाँ पर हम कुकिंग ही डाल देते हैं अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कुकिंग फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कुकिंग इंटरेस्ट ले लिया। उसके बाद में आपको एक्सक्लूड यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग वालों को एक्सक्लूड करना है आपको, और आपको एक्सक्लूड करना है शॉपिफाई वालों को, ठीक है। सो अभी बेसिकली ये आपको एक्सक्लूड क्यों करना है, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि भाई कुकिंग वालों को मेरी ऐड दिखाओ, लेकिन उसमें से अगर से कोई ड्रॉप शिपिंग भी करता है, शॉपिफाई करता है, कोई खुद से सेलिंग कर रहा है, तो उनको मेरी ऐड मत दिखाओ, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इसलिए हमको इनको एक्सक्लूड करना पड़ता है। मेक श्योर करना कि ऑडियंस हमेशा आपका 1 या 2 करोड़ के ऊपर रहे मिनिमम साइड वाला, ये हमेशा मेक श्योर करना जब भी आप इंटरेस्ट डाल रहे हो। अभी इसके अंदर मैं इंटरेस्ट ट्रैकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे एक ही इंटरेस्ट से काम हो गया, मेरा करोड़ों में ऑडियंस आ रहा है, ये कितना भी मैक्सिमम जाने दो, नो इशू इन दैट, बट मिनिमम 1 से 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए इधर की वैल्यू, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। और इंटरेस्ट टैग करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर से एक ही इंटरेस्ट डालने के बाद में आपका ये वैल्यू ऊपर चलेगा 1-2 करोड़ के ऊपर, तो आई विल रिकमेंड कि यहां पर ऑल इंटरेस्ट को स्टैक मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी हम नीचे आएंगे, एडवांटेज प्लस आपको ऑन रखना है, ठीक है। पहले मैं मैनुअल करता था, लेकिन अभी एडवांटेज प्लस आपको इसमें रखना है। एडवांटेज प्लस में वो सब प्लेसमेंट्स में एड्स दिखाएगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। ओके, सो ये सब करने के बाद में अभी मैं यूजुअली कैसे करता हूँ ना, कि जैसे यहाँ पर मैंने कुकिंग डाल के रखा है, तो मैं मेरे जो एडसेट का नाम है वो भी कुकिंग डाल के रखता हूँ, ठीक है। सो इससे मेरे को फायदा ये होता है कि मैं इसको फिर कैंपेन और एडसेट लेवल पर ही जज कर सकता हूँ, मुझे अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं कि मैंने ये एडसेट में कौन सा इंटरेस्ट डाला था करके। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल जो मेरा एडसेट में इंटरेस्ट है वही मैं इसका नाम देकर रखता हूँ, एडसेट का नेम। उसके बाद में इतना सब करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको आपका पेज सिलेक्ट रखना है, और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने बना के रखा होगा तो वो सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। इसको भी आप नाम दे सकते हो, आपका वीडियो 1 वीडियो 2 जो भी आपने बनाया है। तो यूजुअली मैं एक एडसेट के अंदर एक ही वीडियो डालता हूँ, अगर से 2 बना दिए हैं तो 2 डालता हूँ, लेकिन फिर 1500 का बजट नहीं दूंगा, फिर मैं 2000 से स्टार्ट करूंगा अगर से मैं एक एडसेट में 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो, ठीक है। अभी ये हो गया, उसके बाद में ऑफकोर्स आप यहाँ से आप वीडियो अपलोड करोगे, एड वीडियो में क्लिक करके आप वीडियो अपलोड करोगे। प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिख, हेडलाइन में आप प्रोडक्ट का नाम डालोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आपका है 30% ऑफ 40% ऑफ है, फिर फ्री होम डिलीवरी, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको शॉप नो का बटन सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर शॉप नो का बटन, ठीक है। डेस्टिनेशन में आपको प्रोडक्ट पेज का URL डालना है, ठीक है, प्रोडक्ट पेज का। उसके बाद में मेक श्योर करना कि यहाँ पर आपका डोमेन और पिक्चर आईडी आपका सिलेक्टेड होकर इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अभी लेकिन एक चीज, प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखना है भाई, प्राइमरी टेक्स्ट मैं कैसे लिखता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा वीडियो को मैं आगे लेके चलता हूँ। सो इतना सब कुछ डालने के बाद में आपको इसको पब्लिश करना है, ठीक है। अभी मैं पब्लिश नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है, जब आप वीडियो वगैरह सब अपलोड कर दो। थंबनेल भी आपको चेंज करना है, जो वीडियो में से फ्रेम उठ के आती है थंबनेल की, वो नहीं लेना है, मैन्युअली कोई थंबनेल बनाओ और उसको अपलोड करो अलग से, ठीक है। उसके बाद में एडसेट लेवल पर आना है, और इसके आपको यूजुअली 4 कॉपीज बनानी है, या फिर आप 3 भी बना सकते हो कभी कभी, ठीक है, 4 या 3 आपकी मर्जी। मैं कभी कभी 4 बनाता हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ। सो अभी मेरे सबके सब एडसेट और एड्स डुप्लीकेट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इंटरेस्ट लेवल पर आना है, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल पर आपको सजेशंस में जाना है, और नेक्स्ट आपको कुछ भी आपका जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट अवेलेबल हो
वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी इसको हटा दूंगा और यहाँ पे किचन डाल दूंगा, ठीक है। सो मैं इस किचन वर्ड को कॉपी करूंगा और ऊपर जाके इसका नाम दे दूंगा, ओके। ऐसे ही आपको बाकी एड सेट के अंदर जो भी अपने बने हुए हैं वहां पे आपको नए नए इंटरेस्ट डालने हैं अलग से, ठीक है। सजेशंस में जाके देखो या फिर जो भी प्रोडक्ट के नियर बाय इंटरेस्ट है वो आपको डालने हैं पहले, ठीक है। अगर आपके पास में दो एड्स है तो हर एक एड सेट के अंदर दो दो एड्स आएंगे, लेकिन फिर उसके इसमें बजट आपको 2000 रुपए का करना पड़ेगा। अभी यहां पर एक चीज और समझ के रख लो कि यहां पर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट लिखना रह गया है, ठीक है। और भाई प्राइमरी टेक्स्ट हर एक एड सेट के लिए अलग अलग जाएगा, क्योंकि हर एक एड सेट में इंटरेस्ट अलग है, तो हमको ऑडियंस अलग मिल रही है। जिसमें किचन में इंटरेस्ट है वो ऑडियंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है वो ऑडियंस हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अभी प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर से मैं कुकिंग वाले एड्स में, ठीक है, कुकिंग वाली के एड्स में जब मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा कोई भी, सो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि डू यू एंजॉय कुकिंग, इफ सो देन रिड्यूस योर टाइम विद अवर क्लेवर कटर, ठीक है। किचन वाले में हम कुछ और डाल सकते हैं जिसमें किचन के रिलेटेड कुछ एड कॉपी हमारी रहे, प्राइमरी टेक्स्ट मतलब एड कॉपी हो, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप AI के हेल्प से आप यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। सो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। और हर एक एड सेट के अंदर आप एड्स लेवल पे अलग अलग एड कॉपी लिख सकते हो और विद इन सेकंड्स लिख सकते हो, आपको खुद का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं एड कॉपी लिखने के लिए। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन में लिंक दिया हूँ, ठीक है। सो इस टाइप से गाइस मेरा मैं CBO लगाता हूँ और बाद में ये मेरा CBO बहुत जबरदस्त चल पड़ता है। जब भी अच्छा चल पड़ता है तो मैं यूजुअली 20-20% इसका बजट बढ़ाता हूँ या फिर नए इंटरेस्ट में टेस्ट करता रहता हूँ स्केलिंग के लिए। सो ये एक मेथड है मेरा जो मैं रिसेंटली यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा चल रहा है। आप लोग भी बिंदास इस तरह से CBO लगा सकते हो। मैंने सारे आपको रूल्स बता दिए, कितना बजट देना है, कितने एडसेट्स, कितने इंटरेस्ट डालने, वो सब कुछ चीजें बिंदास जाके आप लगाओ और कैसे आपके लिए चलता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो इंडियन ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं और फेसबुक एड्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके साथ में ये वीडियो भी शेयर जरूर करना। बाकी चैनल पे ऐसे ही मैं फेसबुक एड्स के रिलेटेड एंड ड्रॉपशिपिंग के रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूं, तो अगर से आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।